दुनिया में अगर आपको जमहूरियत चाहिए, जमहूरी रवैया यही है। हम आपको अर्ज कर रहे हैं कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको हम इंश्योर करेंगे कि उसका हक सबको दिया जाए। लेकिन जहां एक एलिमेंट, क्या जरूरत है आप बंदूकें लेकर जाएं, ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो जाए जहां से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी कोई रिस्पॉन्ड करना पड़े। पुरम ने एहतजाज का, सबको हक, लेकिन तोड़फोड़ और शरंगेजी करने वालों से निपटा जाएगा। अनार्की की इजाजत कोई हुकूमत नहीं देती, हम भी नहीं देंगे। फसादियों से कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हो सकता है नताइज मरतब करने के मामले में कहीं कोई बेकायदगी हुई हो, इसके लिए मुनासिब फोरम मौजूद है। मीडिया ने नताइज दिखाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखाई। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ माहौल में होना खुशाइंद है। नताइज में ताखीर हुई धांधली नहीं, कामयाब इंतखाबी अमल में सिक्योरिटी इदारों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। पिछले दो दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। किसी ने भी कोई उस तरह की चीज करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज्यादा रिएक्शन होगा। पॉलिटिकल तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है। मुल्क में एक बार फिर 9 मई बरपा करने का मंसूबा बेनकाब, हमलों की प्लानिंग से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी गई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घिनौने मंसूबे से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफ, कहा हुकूमत के पास पक्के सबूत हैं, चंद लोग 9 मई जैसे वाकयात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। शरपसंदों को तनबीह करते हुए कहा किसी ने साजिश की तो इस बार रद्द अमल पहले से 4 गुना ज्यादा आएगा। इंतखाबी नताइज पर किसी को एतराज है तो मुतालिका फोरम से रुजू करें। इक्तदार के उम्मीदवार शहर इक्तदार पहुंचने लगे। नवाज शरीफ के फोन के बाद मौलाना फजलुर रहमान और एमकेएम रहनुमाओं की इस्लामाबाद आमद, चौधरी शुजात की भी कायद नून लीग से मुलाकात का इम्कान। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद, कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के आज ही वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले 5 आजाद अरकान असेंबली की शहबाज शरीफ से मुलाकात, नवाज शरीफ की कयादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी, कहा खुशी है आप अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने वाले काफिले का हिस्सा बने, मुल्क की पहले से बढ़कर खिदमत करेंगे। 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने कहा पाकिस्तान को नवाज शरीफ के पुरखलूस विजन, तरक्की के एजेंडे और खिदमत के तजर्बे की जरूरत है। मुलाकात करने वालों में सरदार शमशेर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी और साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी शामिल थे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नून लीग ने वजीर आजम या वजरा आला के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं किया, दीगर सियासी जमातों से मुशावरत जारी है, जैसे ही किसी नाम पर इत्तफाक हुआ मीडिया से शेयर किया जाएगा। कल पीपल्स पार्टी से होने वाली मुलाकात में मिलकर चलने पर बात हुई। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनते तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, ये भी मुमकिन है हम नून लीग के उम्मीदवार को वोट देकर खुद ऑपोजिशन में बैठें। पीडीएम पार्ट 2 शायद अच्छे तरीके से ना चल पाए, अगली बनने वाली हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना होगा। पीपल्स पार्टी कयादत ने पार्टी कायदीन को नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। जराए के मुताबिक आसिफ जरदारी की बिलावल भुट्टो को नून लीग से मामलात बेहतर करने की हिदायत। आम इंतखाबात में नाकामी के बाद जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा जिन लोगों ने हालिया इलेक्शन में मुझे वोट दिया उनका शुक्रगुजार हूं और मद्दे मुकाबल कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जाती हैसियत में मुल्क कौम के लिए खिदमात जारी रखूंगा। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, लिखा कोशिश के बावजूद आम इंतखाबात में जमात को कामयाबी नहीं दिलवा सका,
नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो रहा हूं।